तो कैसे सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। गाइज, आप लोगों को तो मालूम ही होगा हम लोग बी आर रैंक में मास्टर पुश कर रहे हैं, तो उसी का एक और बोया आ गया है आप लोगों के पास। आप लोग एंजॉय करो और चैनल को और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अब बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबाना मत भूलना। गाइस, इसमें ज़्यादा किल तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा काम है कि आप लोग तक बोया की वीडियो सारी डालना, इसलिए मैं बोया का वीडियो डाला हूँ। वैसे बिना बोया का भी वीडियो सब है, लेकिन वो अपलोड नहीं करता हूँ और उसमें किल भी है 10+। गाइस लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो चैनल पे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। गाइस, लास्ट वीडियो मैंने जल्दी ही बंद कर दिया, कुछ प्रॉब्लम था इसलिए मैंने तुरंत बंद कर दिया था उसमें बीच में ही। वैसे ज़्यादा नहीं था, उसके बाद 2 मिनट और था बस। गाइस, 10 लाइक्स का टारगेट है। अगर आपको एक और मतलब कि CS:50 वाली वीडियो चाहिए या BR, आप लोग कमेंट में करना कि कौन सा टिप एंड ट्रिक दूँ, किल का या क्लच का, कोई भी चीज़ का टिप्स एंड ट्रिक कमेंट कर देना। 10 लाइक्स का टारगेट है, तब मैं वीडियो लाऊंगा ज़रूर। यार, आप लोग को वीडियो बोरिंग नहीं ना लगता, मज़ा तो आता है ना, एक बार कमेंट कर देना। तो इसमें 15 कमेंट्स का है, 15 कमेंट करना, तो कुछ भी अपने स्पैम कर देना 3-4 बार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट करना, अपनी UID स्पैम कर देना, अपनी UID स्पैम कर देना, मैं रिक्वेस्ट भेज दूंगा उस पर। ओके, जितने बंदे मेरे चैनल पे UID स्पैम करेंगे मैं उससे रिक्वेस्ट भेज दूंगा संडे को, कल संडे है, कल उनके साथ रैंक पुशिंग करूंगा अगर वो ऑनलाइन आया तो। भेज देना ब्रो। ओके, 15 कमेंट्स उड़ने चाहिए, नहीं तो मैं नहीं स्पैम मतलब लूंगा UID किसी की। कंप्लीट कर देना 10 लाइक 15 कमेंट्स और लाइक करो बाकी। गाइज लाइक कर दो, अभी तक लाइक किया है तो। यार, इस मैच में हम लोग बहुत अलग अलग थे, मतलब कि एक साथ नहीं थे हमारा स्क्वाड, इसलिए हमें कैम ज़्यादा करना पड़ा। गाइज देखो, लेवल 4 का बेस वाले को कैसे मैंने मारा, पूरा Max 7 का गोली आपको नहीं उतारना है, अगर पूरा उतारोगे तो वो भी उतार देगा और आपको मार सकता है, आपको वॉल लगा लगा के उतारना है। 2 वॉल थी, मैंने दोनों वॉल यूज कर ली।
भाई देखो गाड़ी कैसे उड़ के आई यार। जब भी आप माउंटेन से उतरो ना तो हाथ में वॉल ले लिया करो, उसका जो ब्लू कलर का शील्ड होता है ना वो माउंटेन पे पड़ना चाहिए, उसका जो वो विजिबल होना चाहिए, तब आपको जो है ना डैमेज नहीं पड़ता, एकदम डैमेज नहीं पड़ता। चाहे आप मील से भी पहाड़ माउंटेन से उतरोगे ना मील से, तब भी आपको डैमेज नहीं पड़ेगा। यार देखो कार 98Z से कितना तगड़ा मारा, या VSS जेट से पता नहीं चला, लेकिन गंदा मारा। एक बंदा आ रहा है वहां से, वैसे वो रिवाइव कर रहा है पार्टनर को, देख लो आप, रिवाइव भी हो गया एक बंदा। देखो वॉल ले लिया मैंने, डैमेज नहीं पड़ा एकदम। लाइक कर दो यार, अभी तक लाइक नहीं किया है। देख लो जोन कितनी दूर है, हम लोग कैसे जोन में जाते हैं, बंदा कितना मार रहा था। अभी VSS Z था या Kar98Z था पता ही नहीं चल रहा, लग तो रहा है Kar98Z तभी, लेकिन दोस्त डैमेज पड़ने के बाद और डैमेज पड़ा। यार कमेंट करना तो आप लोगों को मालूम है Kar98Z से डैमेज पड़ने के बाद VSS जैसे डैमेज पड़ती है, रिपीट होती है क्या? नया अपडेट आया मालूम है। सो गाइज इसी बोया के साथ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।